धुआंधार फॉल के पास, बहुत ही टफ है वो यहाँ से चढ़ाना भी। बाय। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ से नीचे बाहर निकलता हूँ तो पचमटा मंदिर ये रहा, और साथ में है एक और मंदिर 64 योगिनी मंदिर। मतलब ये तीनों पॉइंट साथ में ही है, 64 योगिनी पॉइंट हो गया, बेड़ा घाट हो गया और धुआंधार। तो ये है 64 योगिनी मंदिर, तो मंदिर ये भी खंडित बताते हैं, और 108 सीढ़ियां यहाँ से। अरे यहीं कहीं खड़ी करवा ले यार, ध्यान तो रहेगी। भी एक टिकट देना 95। वो भी आपने देखा धुआंधार फॉल, और अभी लेकर चलता हूँ उसके बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है धुआंधार झरना फॉल, अब यही अक्टूबर नवंबर में आप पाओगे ना, या जनवरी फरवरी में, तो ये पानी बिल्कुल क्लीन मिलेगा नीला। तो यार कभी मतलब चक्कर लगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा इस चीजों को। वो है जो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ मतलब पैदल आप आ सकते हो यहाँ पर, और ये जो साइड है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और रोपवे से आते हैं, इससे बेनिफिट ये होता है कि रोपवे ना यहाँ से जाता है सामने जो जा रहा है चल रहा है, तो वहाँ बीच का जो आपने देखा ना वीडियो के अंदर, वो बीच का जो पार्ट है वो इसी वजह से आता है, क्योंकि वो वहाँ से लिया जाता है। मतलब नहा भी रहे, इधर नहाने नहाने का नहीं है, इतने पास नहीं जा सकते, उधर की साइड आगे जा सकते हो आप, लेकिन इतने पास नहीं जा सकते, उधर से पैदल वालों को ये प्लस पॉइंट मिल जाता है, लेकिन जो रोपवे से आते हैं उसे पूरा वहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जो आपने वीडियो में देखा होगा। भैया इसमें घुमाने के कितने चार्जेज है? 150 सर, आने जाने का चार्ज होता गाड़ी का, घुमाएंगे आपको, घुमाने के बाद यही लाके छोड़ेंगे। अच्छा, 350 रुपए। क्या क्या दिखाओगे? रॉक्स होता है सर, व्हाइट मार्बल है, पिंक मार्बल है, इंडिया का। मैं अभी तीनों स्पॉट आपको एक ही जगह मिलेगा, अलग अलग नहीं है, रेलिंग लंबा लगा है। अच्छा, तो आपको गाइड करके बताएंगे, बताने के बाद रिटर्न लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हो पहले धुआंधार झरने, इस वक्त क्योंकि ये इस वक्त वोटिंग बंद रहती है, तो यहाँ 350 रुपये लेते हैं भाई लोग, और घुमा के लाते हैं आपको। मैं बाइक लेके गया था तो
मैं तो नहीं जाऊंगा। थैंक यू भाई, अब वापसी चलते हैं और यहाँ से निकलूंगा भोपाल की तरफ। ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट ये दिखाते हैं ये लोग कहाँ से। ओरछा से, ओरछा गया था मैं पहले, मतलब दूर फर्स्ट डे ओरछा ही था। ओरछा जो राम ये है ना अपना, राजा राम मंदिर, उसके बैक साइड में रुका था।